साहिबगंज के उधवा अंतर्गत बेगमगंज सिंह टोला में आज हिंदू धर्म रक्षा मंच की एक बैठक हुई। मंच के अध्यक्ष संत कुमार घोष ने इस मौके पर कहा कि हिंदू धर्म रक्षा मंच हिंदू समाज का प्रहरी है। वे कहा कि वर्तमान समय में पूरे देश मॉब लिंचिंग की आग में जल रही है, पर किसी भी कीमत में मंच इसका समर्थन नहीं करता। बैठक में मदन बसाक, परमानंद मंडल, उज्जवल घोष, उदय मंडल समेत कई लोग उपस्थित थे। रिपोर्ट सहेंद्र प्रसाद की। हिंदू धर्म रक्षा मंच मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करती है। मॉब लिंचिंग हमारे समाज का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है और भीड़ का हिंसा का कभी नहीं रहा है, और हमारे समाज हिंदू समाज जो है इसका का कोई स्थान नहीं है। विश्व बरादरी को आज न कल इस कठोर सच को स्वीकार करना होगा, बल्कि सभी को सनातन धर्म और संस्कृति की ओर लौटना होगा। हिंदू धर्म रक्षा मंच समाज का एक पहरी के रूप में कार्य कर रही है और स्वयं को जागता है और समाज को भी जागृत करने का प्रयास कर रही है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदू समाज को जागृत करने का हमारे हिंदू धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और गांव-गांव में बैठक करके जागृत कर रहे हैं। पोटका के हल्दी पोखर विद्या निकेतन प्लस टू उच्च विद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच हस्तकला, चित्रकला, लेख लेखन आदि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कार्यक्रम में अतिथि जिला परिषद संजीव सरदार, चंद्रवती महतो एवं जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुनील महतो ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अभिजीत सेन की एक रिपोर्ट। चीफ गेस्ट लेके प्रोग्राम में आप क्या बोलना चाहते हैं? बात यह है, ये इतिहास अगर देखा जाए तो ये इस क्षेत्र के लिए एक शिक्षा ज्योति देने वाला यही विद्यालय था, जबकि ये 60 वर्ष हो गया है। हो जाने के बाद यहाँ काफ़ी सारा व्यवस्था का कमी है और 350 से 350 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस कमी को देखते हुए कि हम लोग इसके बाउंड्री जो अभी फिलहाल नहीं है, इस बाउंड्री के लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे और इसके तत्काल बाउंड्री निर्माण के लिए हम लोग चाहते हैं यहाँ के जल्द से जल्द बाउंड्री निर्माण हो, ताकि जो परिवेश है स्कूल का परिवेश बने रहे। लातेहार के महुआडाल में आलू की खेती जोरों पर है। इसी आलू की खेती करने वाले कृषकों ने बताया कि सरकार द्वारा कृषकों को सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है, इसी कारण आलू की खेती करके हम कृषकों का जीवन यापन होता है। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ बद्री गुप्ता की एक रिपोर्ट। आपका क्या नाम हुआ? कोर्नेश्वराव। अच्छा ये बताइए, नेतरहाट क्षेत्र में आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और बरसात में आलू लगाते हैं, करीब कितना आलू यहाँ लगाते हैं? हजारों एकड़ में लग जाता है। तो आलू से आप लोग का जीविका चल जाता है? रोजी रोटी कुछ चलता है। और यहाँ और खेती कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? मकई सब। और सरकार के द्वारा कोई सुविधा दिया जाता है कि नहीं? जैसे कि आलू लगा रहे हैं आप लोग, आलू का खेती करते हैं पटारी क्षेत्र में, तो इसमें आप लोग को कोई सुविधा मिलती है कि नहीं? नहीं, कोई सरकार के द्वारा कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। अपने से लगाते हैं आप लोग? और इसको कहाँ बिक्री करते हैं? इसको व्यापार लोग लेता है। अभी तक आपने कितना खेती आलू का लगा है? अभी तक करीब करीब 300-400 बोरा लगा दिए हैं ना। और यहाँ जो आदमी लोग लगा रहे हैं सब अपना ही लगाता है? सब अपना लगाता है। और सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं दिया जाता है? नहीं। लातेहार के चंदवा बालू मात सीमावर्ती दोकर जंगल में पुलिस एवं टीएसपीसी संगठन ने भीषण मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग निकले। इस बाबत जानकारी देते हुए लातेहार एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि एक इंसास राइफल एएलआर व यूएस मेड ऑटोमेटिक राइफल बरामद की गई। बद्री गुप्ता की एक रिपोर्ट। ये सर क्या मामला है सर? आज बालूमात और चंदवा थाना क्षेत्र का जो सीमावर्ती इलाका है उसमें पुलिस के साथ टीपीसी उग्रवादी संगठन के
के साथ मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें इस पूरे अभियान को एडिशनल एसपी ऑपरेशन लातेहार लीड कर रहे थे, जिसमें झारखंड जगुआर की टीम और लातेहार जिला पुलिस की टीम थी। टीएसपीसी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ भी, जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग भी है। इस दौरान एक उग्रवादी को पुलिस ने जीवित गिरफ्तार किया है और वहाँ से कई हथियार बरामद हुए। 3 हथियार, एक इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल और एक यूएस मेड ऑटोमेटिक राइफल है। इसके अलावा उस स्थान से भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई है और अन्य सामान जो उग्रवादियों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, या टेंट है उनके द्वारा, बाकी उनके दिनचर्या से संबंधित सामग्री है, उग्रवादी संगठन को चलाने से लेकर सामग्री है। अभी भी ये अभियान जारी है, जो टीम है वो अभी भी ऑपरेशन में ही है, तो इसके बारे में और विशेष जानकारी हम लोग एक बार जब ये ऑपरेशन कंक्लूड हो जाता है उसके बाद बता पाएंगे। सर, दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस ये जो उग्रवादी संगठन का दस्ता था, इसमें रोशन, गोपाल, बोडा, पत्थर, इनके अलावा और अन्य सदस्य थे जो टीएसपीसी में कार्यरत थे। और इन लोगों का मुख्य रूप से कार्य रहता है कि इस क्षेत्र में से लेवी वसूल करना, टीएसपीसी के नाम पर लोगों को फ़ोन करके धमकी देना और उनसे पैसा वसूलने का प्रयास करना। तो अभी वर्तमान में हम लोग लगातार ही जो टीएसपीसी, भाकपा, माओवादी सभी संगठनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके दौरान आज की जो ये कार्रवाई हुई है ये पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। सर, एक दूसरा अन्य मामला है। घाटशिला के टुमांडुर में दुर्गा पंडा पूजा स्थल के समीप अजगर सांप निकला। देखते ही देखते अजगर को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुट गई। बाद में स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया। के करण डी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के अकाउंटेंट मुकेश भारती रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। 2 दिन पूर्व लापता होने के बाद अब तक उनका पता नहीं चला है। संबंध में पत्नी रूपम भारती ने बरवाड़ी थाने में अपने पति के लापता होने के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट बद्री गुप्ता की। सर यही है, यही हम रोज दिन फोन करते हैं, बात ऐसे ही हालचाल बात करते हैं, बड़े बच्चे जैसे हैं। इनसे मतलब ऑफिस से ज्यादा घर का बात होता है। तो प्रतिदिन वो मॉर्निंग वॉक में निकलते थे क्या? नहीं, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, बहुत कम जाते थे। जाते थे तो किधर जाते थे? उधर ही जाते थे, कस्तूरबा ही। बोलते थे हम मोड़ से लौट के आ रहे हैं, स्कूल नहीं जाते थे, बस वहाँ मोड़ से वो लौट जाते थे। कितने बजे निकलते थे? वही बेटी को 5:40 में छोड़ते, इसको बैठा करके वो चले जाते, और कभी जाते कभी नहीं भी जाके सो जाते। उनके पास मोबाइल कितने? एक ही मोबाइल है, वही जो हाँ, दो सिम है उसमें। उसके दो सिम है हाँ, उसमें कभी फोन फिर आया कि नहीं कहीं से? उसमें फोन जब हम सबको चले गए हाँ। इसके बाद कहीं से फोन? नहीं, उमेश का आया था बस। उमेश हाँ, वो अकाउंटेंट लाते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, उसके बाद तो सब मतलब जैसे हम सीता मैडम को बताए तो फोन किए, जिनको जिनको मतलब हम पूछने के लिए फोन किए कि सर को देखे, वही लोग उनको फोन कर रहे थे। तो फिर हम बोले कि मोबाइल तो घर ही पे। वो स्कूल जा रहे थे? नहीं, ऐसा आपको नहीं बोलेगा हम स्कूल जा रहे हैं।